अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो खास है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरा लैपटॉप खोल के और रिपेयर करने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर खास उन लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है जिनके पास एक्सेस नहीं होती और कुछ मतलब पेमेंट नहीं भर सकते अपने लैपटॉप रिपेयर करने के लिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं पूरा लैपटॉप खोलूँगा, उसका फॉल्ट आप लोगों को बताऊंगा, उस फॉल्ट को क्लियर करके और पूरा लैपटॉप फिक्स भी करेंगे। तो इस वीडियो को थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। इस चैनल के ऊपर आप लोगों को ऐसी बहुत सी वीडियोस मिलेंगी। और चलिए शुरू करते हैं और लैपटॉप पूरा खोल के और उसको फिट करते हैं, उसका फॉल्ट क्लियर करते हैं कि क्या है फॉल्ट उस लैपटॉप के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम आ गए हैं लैपटॉप पर। हमारे लैपटॉप के अंदर जो प्रॉब्लम आई है वो ये है कि जब हम इसकी चार्जिंग केबल यूज़ करते हैं, जैसे लाइक ये चार्जिंग केबल है, हम जब इसके अंदर यूज़ करते हैं यहाँ पर, तो होता क्या है कि अंदर से लूजिंग है कुछ कॉइल्स की, तो यहाँ पर प्रॉब्लम करती है और बार बार चार्जिंग नहीं हो पाती। चार्जिंग क्या लैपटॉप ही ऑफ हो जाता है क्योंकि हमारे इसके अंदर पोर्ट्स के अंदर कुछ मसला है, इस पोर्ट के अंदर मसला है। चार्जर चेंज करके देखा है, चार्जर बिल्कुल ओके है। तो अब हम खोलने जा रहे हैं अपना लैपटॉप। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ टिप्स इसमें बताऊंगा कि इसके अंदर आप लोगों ने लैपटॉप खोलने से पहले कि खोलना कैसे है। सिंपली मैं कीबोर्ड के लॉक हैं पेचकस स्क्रू से, ये मेरे पास है स्क्रू ड्राइवर से आप लोगों ने सिंपल लॉक करना है और इसके अंदर केबल निकाल लेनी है। उसके बाद इसको हम डायरेक्टली बंद करेंगे, मूव करेंगे। मूव करने के बाद जितने भी स्क्रू हैं पीछे अपने वो सारे खोल लेने हैं, बैटरी निकालने के बाद भी। ये बैटरी यहाँ से इंसर्ट करनी है, निकालनी है बाहर, निकालने के बाद सॉरी इंसर्ट कर रहा हूँ मैं, रिमूव करनी, इंसर्ट मतलब डालना है, रिमूव करने के बाद आप लोग इस बैटरी के नीचे भी आप लोगों को स्क्रू नज़र आ रहे होंगे। तो अब हम इसके स्क्रू खोलते हैं और खोलने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसा ये दिखता है और इसका कौन सा फॉल्ट है वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हमारा ये पूरा लैपटॉप इस टाइम आपको नज़र आ रहा होगा, एक एक पार्ट इसका खुला हुआ है। इसके अंदर जो फॉल्ट था वो था इसकी पावर सप्लाई का। ये जो पावर सप्लाई आप लोगों को दिख रही है, मेन जो पावर प्लग लगता है, इस प्लग के अंदर जो इसका एक सिर्फ छोटा सा एक टाँका था जो सिर्फ 3 रुपये या 5 रुपये में लग जाता है, ये इस छोटे से टाँके की वजह से इसकी चार्जिंग नहीं हो रही थी। तो हमने पूरा लैपटॉप खोला है और सिंपली खोला है। अब मैं आपको फिक्स करके दिखाऊंगा इसको। तो जैसे जैसे फिक्स कर रहा हूँ ऐसे ही स्टेप को उल्टा करेंगे तो आपने खोला है इसको। तो पिछली वीडियो के अंदर में मतलब पिछली जो मैंने जो इससे पहले जो वीडियो आपने देखी उसमें मैंने दिखाया था आप लोगों को कि कौन कौन से स्क्रू आपने खोलने हैं, कौन कौन से फिक्स करने हैं। तो अब मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को दिखाता चलूँ कि ये रेंज लगी हुई है, ये प्रोसेसर लगा हुआ है इसका, और इसके साथ ये आपका मेमोरी कार्ड हो गया, USB पोर्ट्स हो गए, HDMI केबल हो गई, और ये प्रोसेसर फैन है, और ये इसका जो पूरा मदरबोर्ड है, और ये इसका जो है चार्जिंग सेल है जो कि टाइम और डेट को सेट रखता है। बाकी इसकी केबल्स हैं जो मैं आप लोगों को अभी लगा के दिखाता हूँ। और इसके अलावा मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये इसकी SSD हार्ड ड्राइव है, और इसी तरीके से इसका मदरबोर्ड, इसका CD रूम मतलब DVD रूम जो इसका अपना निकला है वो, और इसकी बैटरी, तकरीबन सारी चीज़ें हैं। अब हम जैसे इसको फिक्स करेंगे और फिक्स करने के बाद आपको दिखाऊंगा कि आप लोगों ने कैसे फिक्स करना है। सिंपली आप लोग को मैं दिखाता चलूँ कि इसका जो वाईफाई की पोर्ट्स है, ये वाईफाई की पोर्ट है इसकी आपको दिख रही होंगी, इन पोर्ट्स की दो केबलें डायरेक्ट जा रही हैं इसकी PC के स्क्रीन के अंदर। तो सिंपल आप लोगों ने इसको रखना है इस तरीके से। इसके खांचे बने हुए होते हैं जो कि उर्दू में कहा जाता है कि खांचे, और इंग्लिश में उसको कहा जाता है के पॉइंट्स, जो आपके लैपटॉप की अंदर ही सेट हुए होते हैं। सिंपली बस जस्ट ये रखना है आपने। देखिए मैंने इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की है। इसकी कुछ केबल्स होंगी जो कि एक स्पीकर की केबल है जो कि लेफ्ट एंड राइट है, वो मैं लगाना भूल गया, वो ये रहा जैक, ये मैं इधर लगा देता हूँ। अगर आप स्पीकर की जैक नहीं लाएंगे तो आपका साउंड नहीं आएगा, ये आपको याद रखनी है बात। छोटे बारीक बहुत काम है। अगर आपको लाइट का थोड़ा फ़र्क लगता है तो आप मुझे बताइएगा, वीडियो के अंदर मैं अपनी लाइट भी बढ़ा लूँगा नेक्स्ट टाइम कुछ अगर आपको लगता है तो। तो सिंपल आप लोगों ने ये रखना है इधर, और इसको रखना है यहाँ, और इसको आसानी से जस्ट सिंपली रख देना है। जब ये रखा जाएगा देखेंगे आप इसके स्क्रू जो हैं आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। कैमरा थोड़ा पीछे कर लेता हूँ अगर आपको देखने में दुश्वारी हो रही है तो। अच्छा, तो मैं बता रहा था आपको, हाँ ये आपका फिक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इसमें कोई भी फ्लैक्चुएशन नहीं है, कुछ नहीं है, हर चीज़ ओके है। अब हम ले लेते हैं इसके स्क्रू।
मैंने जो इसके स्क्रू थे, मदरबोर्ड के स्क्रू अलग होते हैं और जो बाहर के स्क्रू मैंने आपको दिखाए थे वो अलग होते हैं। ये जो वाइट स्क्रू हैं सारे मदरबोर्ड के थे, ठीक है। ये मैंने इसे अलग करके रखे हुए ताकि हमें क्लियरली पता लग जाए कि मदरबोर्ड के स्क्रू हैं। ये है मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर, इसके आगे मैग्नेट लगा होता है, जब आप इसको यूँ करते हैं तो ऑटोमेटिकली स्क्रू इसके ऊपर आ जाता है। अब इसके ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक एरो बने हुए हैं, मैं थोड़ा कैमरा जूम कर लेता हूँ, ये एरो बने हुए आपको दिख रहा होगा, एरो एरो, इन एरो में ये स्क्रू लगे हुए थे, मतलब सिर्फ मदरबोर्ड के स्क्रू। तो आप लोगों ने जो स्क्रू जहाँ से खोले हैं वहीं यूज़ करने हैं, क्योंकि मदरबोर्ड के स्क्रू आपको अलग मिलेंगे यहाँ पर और दूसरे जो बोर्ड हैं उसके स्क्रू अलग मिलेंगे आपको। और एक बात आपने ख़ास याद रखनी है, इनको ज़्यादा टाइट नहीं करना। अगर आप इनको ज़्यादा टाइट कर देंगे तो होगा क्या कि आपका पीसी तो चल जाएगा, लेकिन उसके अंदर आपको नुकसान ये हो सकता है कि आपका पीसी पॉसिबल है कि मदरबोर्ड डैमेज हो जाए। बिल्कुल इसमें बारीक चिप्स होती हैं जो कि आपके मदरबोर्ड को डैमेज कर सकती हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रू थोड़ा सा कंजेस्ट जगह है, चलें हम इसको चेंज कर लेते हैं। अच्छा, ये बात आपने लाजमी याद रखनी, वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, लेकिन परेशान नहीं होना आप लोगों ने कि ये इतनी लॉन्ग वीडियो बना दी है और फिर आप परेशान होते रहे कि लॉन्ग वीडियो हो गई है। तो इसको आप चेक को लगा सकते हैं, सिंपली आपने इसको उठाना है, ये ब्लैक को, और इसमें जैक रखना है, ये आपने जैक रखा है, इसके अंदर इंसर्ट कर दें या रखते हैं आप, सिर्फ इंसर्ट कर दें सिंपली, और इसको प्रेस कर दें। इस तरह से आप लोग ये सारे जैक लगाएंगे, जो कि मैं एक एक करके लगाता जाऊंगा, आप लोगों को दिखाता भी जाऊंगा कौन सा जैक कब और कहाँ यूज़ करना है आपने। आप लोगों को इसका नॉलेज होना लाजमी है। पर एक बात मैं आपको बताता चलूँ, हर लैपटॉप में अलग अलग मॉडल के हिसाब से अलग अलग चीज़ें होती हैं। ये नहीं कि आपने जो मेरे लैपटॉप में देखी हैं, मतलब इस लैपटॉप में देखी हैं आपने, वो दूसरे में भी हो, ऐसा नहीं होता। हर लैपटॉप में अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग मॉडल के हिसाब से अलग अलग पार्ट्स होते हैं। लेकिन अगर आपने एक समझ लिया तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप हर लैपटॉप को खोल के कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होगा आपको, ठीक है। तो ये आ गया इसके अंदर, इसको मैं खोल लेता हूँ और इसको लगाते हैं हम यहाँ पर, क्लियर, ये यहाँ आ गया। उसके बाद ये एक और स्क्रू ले लेते हैं, वो आएगा हमारा इस जगह पे, आप लोगों को बताता चलूँ कि कुछ जगह ऐसी हैं इसके अंदर के जहाँ पर स्क्रू लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो पॉइंट्स ऐसे हैं जब तक कि आपका ये बोर्ड बैठेगा नहीं जगह पे, तब तक आपके स्क्रू भी लगना थोड़ा सा मुश्किल होंगे और क्रिटिकल होंगे। तो ये आपने बोर्ड को लाजमी सही बिठाना है, तभी जाके स्क्रू आपके बैठेंगे जगह पर। तो ये आ गया इधर, और वो ब्लैक स्क्रू जो था हमारा, ये आ गए दो इधर दो इधर। बोर्ड जिसके अंदर आपके शो हो रहे हैं वन और ये टू केबल्स, जो कि आपकी एक केबल यहाँ आ जाएगी और एक केबल यहाँ आ जाएगी, सिंपली है, कोई इसे मुश्किल नहीं है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। सिंपली ये हार्ड डिस्क और ये चीज़ें ऊपर से आ जाएंगी इसके अंदर, क्योंकि ये ऊपर इसका सिर्फ और सिर्फ खांचा है जो कि हम रखेंगे इसके ऊपर और फिर ये आ जाएगा इसके ऊपर। तो ये इसमें टेप वगैरह ये पहले से ही लगी हुई थी, कुछ मैंने भी जॉइंट दिए थे क्योंकि एयर की क्रॉसिंग ना हो और डायरेक्टली अच्छे से एयर यहीं से निकले ताकि, ठीक है। ये इसके माउस के बटन है और ये जो जैक था ये किस चीज़ का था पता लग जाएगा अभी, ये खाली ये ब्लैंक, इसमें भी कोई ना कोई जगह होगी लेकिन इसकी अभी कोई वो नहीं है जगह। अच्छा जी, अब हम रखते हैं इसको, इसको रखने के बाद आपने इधर ब्लैक जैक ऊपर करना है और इसमें ये डाल देना है। क्लियर, अब हमारा ये
ये आपको बताना है कीबोर्ड, कीबोर्ड की एक जैक के ये वाली आप लोगों को नज़र आ रही होगी, ये जैक सिंपली आपकी यहाँ लगी है इस पोर्ट के अंदर। यहाँ पर ये ब्लैक पोर्ट आपको दिख रही होगी, ये मैं इसको पीछे कर लेता हूँ, इस तरह से चेक लग गई। सिंपली यहाँ बैठाना है, इसके लॉक के कुछ पॉइंट वो आप लोग समझ लें थोड़ा सा, यहाँ पर लॉक पॉइंट है इसके थोड़े से, ठीक है, वो आपने सब जस्ट प्रेस करने और इसको बिठाते जाना है। यहाँ पर ये प्रेस करने है यहाँ पर ये लॉक पॉइंट और बिठाते जाना है। ये दो केबल हैं वाईफाई की, ये आप लगा दें, ये नहीं लगाएंगे तो वाईफाई भी नहीं चलेगा आपका। चारों तरफ से फिक्स कर दें, फिक्स करने के बाद इसको आप रखते हैं। उसके बाद सिंपली स्क्रू जो इसके अपने हैं वो टाइट कर दिया है। सबसे बड़े जो स्क्रू हैं वो बैकवर्ड के होते हैं इस जगह के, यहाँ के या यहाँ के आपके, तो वहीं के स्क्रू वहीं लगाएंगे आप जो जहाँ थे। डेट्स इट, तो ये हो गया फिक्स हमारा सारा लैपटॉप। अगर आप लोगों को सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट्स करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को सारे लिंक्स और डिटेल मिल जाएगी कि आप लोग कैसे असेंबल कर सकते हैं। कमेंट्स के अंदर आप मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने कैसे जो है वीडियो पसंद आई नहीं आई, आप लोग सारा बताएँ। अगर आप लोगों को सवाल हो तो ज़रूर मुझसे पूछें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं कल की एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।